वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अग्रिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रिम का यूट्यूब चैनल। और गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 18 द श्रिंकिंग वर्ल्ड। सो गाइस आज हम ऐसे पढ़ेंगे और एक चीज कहूंगा आपसे लास्ट में, ठीक है? तो 57 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, थैंक यू यार आपके सपोर्ट के लिए। तो लेट्स स्टार्ट और चलते हैं अब। कंसेप्ट मैपिंग इंट्रोडक्शन। वैसे ये बात बता दूं, ये बिल्कुल बुक जैसा फील आएगा इसमें, जैसे आप बुक से पढ़ते हैं। तो देखते हैं, चलिए इंट्रोडक्शन कंसेप्ट मैपिंग इंट्रोडक्शन। एडवांटेजेस ऑफ अ डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लैंड ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, रेलवेज, इंडियन, इंटरनेशनल, एयर ट्रांसपोर्ट। एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट ऑफ कैनाल्स, पैनामा कैनाल, स्वीज कैनाल। एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग इन टू स्पेस, स्पेस टूरिज्म, इंडियंस ट्रैवलिंग टू स्पेस, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द एनवायरनमेंट, फास्टर वेज ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में ये दोनों। तो लेट्स स्टार्ट, ये फोटो नहीं देख सकते हम, चलिए स्टार्ट करते हैं। The invention of wheel by man has speeded up his life. Today we enjoy the rewards of the इसमें बताया गया कि जो इन्वेंशन है व्हील का, मैन ने जो बनाया है ना, उसने लाइफ को ऐसे स्पीड दी है ना, बहुत तेज। हम बहुत सारी राइड्स को और फास्टेस्ट व्हीकल को एंजॉय करते हैं जो कि मैन ने बनाए हैं। यार मुझे करना एक चीज है, तो जो 21st century है वो एज है एक क्विक और फास्ट ट्रांसपोर्ट की। हम ट्रेवल कर सकते हैं एक पार्ट के इंडिया के एक पार्ट से इन अ फ्यू डेज, थोड़े ही दिन में ट्रेन से हम दूसरे पार्ट में जा सकते हैं, ठीक है? या फिर फ्यू आवर्स में जा सकते हैं प्लेन से, ठीक है? एरोप्लेन्स आल्सो एनेबल अस टू क्रॉस सेवरल कंट्रीज जस्ट इन एरोप्लेन्स हमें एक ही दिन में कंट्रीज एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचा भी देते हैं। इसने ब्रॉट किया है वर्ल्ड को बहुत पास। पीपल जो है एबल है ट्रेवल करने के लिए और विजिट करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज को, है ना? दिस हैज गिवन द टूरिज्म इंडस्ट्री, इसने एक टूरिज्म इंडस्ट्री अ बिग बूस्ट, इसने एक टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बड़ा बूस्ट दिया है। इम्प्रूव ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स को इम्प्रूव किया है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, दो कंट्री के बीच में ऑफ द वर्ल्ड की। It has also made it easier and faster to move materials and finish products to factories and markets. It has also made, इसने ये भी आसान बना दिया कि और फास्टर बना दिया है रॉ मटेरियल्स और फिनिश प्रोडक्ट्स को बन जा सके फैक्ट्रीज और मार्केट से। All this has been made possible because of a इस सब चीज ने ना ये सब पॉसिबल है क्योंकि एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क के, रोड के नेटवर्क, वेल डेवलप्ड नेटवर्क के, रेलवेज के, वाटरवेज के और अदर एयर रूट्स। द इन्वेंशन ऑफ व्हील। अब देखिए ऐसे ही आप क्लास में पलटते हैं ना पेज, वैसा ही है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट रोडवेज। पहले मैं ये बता देता हूँ, अब हम लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, रोडवेज के बारे में।
रोडवेज, रोडवेज के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडिया एक लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स है जो कनेक्ट करता है मेजर और स्मॉल सिटीज को, टाउन्स को और विलेज को, विलेजेस को, ठीक है। जो मेजर रोड्स हैं इंक्लूड, मतलब उसमें नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स एंड और एक्सप्रेस वेज और फ्रीवेज। लैंड ट्रांसपोर्ट रोडवेज। अरे अरे यार, हमने पीछे पलट दिए ना, तो जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन। ये जो एक्सप्रेस वेज है ना, वो एक लार्ज मल्टी लेन है, रोड्स लार्ज मल्टी लेन रोड्स हैं, मतलब रोड ही है लेकिन लार्ज मल्टी लेन है, ठीक है, विच इंश्योर सेफ एंड फास्ट मूवमेंट। जैसे कि जो अपना एक्सप्रेस वे, वहां पर आपको एक स्पीड लिमिट दी जाती है, मतलब बहुत हाई होती है वहां की स्पीड लिमिट, क्योंकि वहां पर तेज चलना होता है, क्योंकि वो हाईवे एक्सप्रेस वे, उस पर ऐसा होता है कि आपको फास्ट मूवमेंट मिलता है कार्स का, ट्रक्स का, बसेस और स्कूटर्स का। जो हाईवेज है वो स्टेट्स, सिर्फ स्टेट्स जो है इंडिया में उनसे कनेक्ट नहीं होते, दूसरी कंट्रीज से भी कनेक्ट होते हैं, नेबरिंग है ना, मतलब आस पड़ोस में जो है। ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा फिर, पहले तो ए एन एक्सप्रेस वे, ये आई थिंक, अरे ये अलग ही है, लेकिन ये रोडवे की एक फोटो दी गई यहाँ पर हमें, आप देख सकते हैं। तो मतलब इसमें ये बताया गया कि मतलब एक जो फर्स्ट हाईवे है ग्रैंड ट्रंक रोड, आज के समय में NH1 टिल दिल्ली और NH2 टिल कोलकाता, वॉज बिल्ट टू कनेक्ट लाहौर, लाहौर को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था, टू कोलकाता, लाहौर टू कोलकाता, लाहौर अभी पाकिस्तान में है, और देयर आर हाईवेज कनेक्टिंग, यहाँ पर हाईवेज हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं नेपाल से, बांग्लादेश से, भूटान से, चाइना से और म्यांमार से। इंडिया के पास एक लार्जेस्ट नेटवर्क है, वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क है रेल लाइंस का, है ना, कनेक्ट करता है ऑल प्लेसेस इन द कंट्री, प्लेसेस को कनेक्ट करता है कंट्रियों से। The first train in India was introduced by the British. बहुत किस्सा आ रही है, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में ही हमें अभी मिली गई थी इंडिपेंडेंस, और इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारी जो पहली ट्रेन थी वो ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई थी 1853 में। दिस ट्रेन कनेक्टेड बॉम्बे टू ठाणे। ये जो है ट्रेन कनेक्ट थी बॉम्बे और ठाणे में, ठीक है, बीच में, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर डिस्टेंस था इन दोनों का अभी। फिर एक्सटेंड हो गया ये जो रेलवे नेटवर्क है, पहले आपको ये 20 ईयर्स तक सुना देता हूँ।
सिंस देन द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड होने लगा है ना. टुडे इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. आज ये फोर्थ लार्जेस्ट है वर्ल्ड में. दिस इज सेफ और चीप है. सेफ है और चीप है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग. एक सेफ और चीप मीनिंग है मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वांटिटीज है ना. ट्रांसपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बहुत सारी क्वांटिटीज में. इंडिया ने इंट्रोड्यूस बहुत सारी सुपरफास्ट ट्रेन भी किए हैं लास्ट 20 ईयर्स में, जैसे कि आई थिंक वंदे भारत. फिर हम सुनाते हैं आपको. द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड इज द इवो मैड्रिड रेलवे लाइन. तो लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन जो है वर्ल्ड में वो है इवो मैड्रिड रेलवे लाइन. इट इज अ रेलवे रूट टेकन बाय कंटेनर ट्रेन फ्रॉम चाइना टू स्पेन कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ अबाउट 13,000 किलोमीटर. ये जो है ना एक रेलवे रूट है टेकन कंटेनर्स कंटेनर ट्रेन है ना चाइना से स्पेन तक कवरिंग करता है. कवर करता है डिस्टेंस बहुत सारे डिस्टेंस है 13,000 किलोमीटर. द रशियन ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो रशियन ट्रांस सिबेरियन रेलवे है वो प्रीवियसली पहले सबसे लॉन्गेस्ट थी. अदर ट्रांसकॉन्टिनेंटल नेटवर्क जो है वो है अमेरिकन और कैनेडियन ट्रेन्स है ना. कनेक्ट करते हैं सिटीज को ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट है ना. मेनी कंट्रीज हैव डेवलप्ड हाई स्पीड ट्रेन्स यूजिंग मतलब बहुत सारे जो है कंट्रीज ने अपने अपने बहुत हाई स्पीड ट्रेन बनाई हैं, जैसे कि एक जापान है ना. जापान उनमें से एक देश है जिसने अपनी बुलेट ट्रेन बनाई है ना. जापान्स बुलेट ट्रेन वाज अ रेवोल्यूशनरी डिजाइन एंड द न्यूली डेवलप्ड मैग्लेव व्हिच स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन आर द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड विद टेस्ट स्पीड ऑफ मोर देन 600 किलोमीटर पर आवर तो बहुत रहता है. तो ठीक है ये है. तो ये तो मैं आज आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपने सुन ही लिया होगा. फिर आता है एयर ट्रांसपोर्ट. द राइट ब्रदर्स ऑफ अमेरिका वर द फर्स्ट टू इन्वेंट अ प्लेन इन 1903. देयर फर्स्ट प्लेन वाज कॉल्ड द फ्लायर. सिंस देन एयर ट्रैवल हैज चेंज्ड ग्रेटली. Air transport is the most expensive but fastest means of travel nowadays. मतलब राइट ब्रदर्स से आई थिंक पहले भी किसी ने बनाया था, आप कमेंट करके बताइए है ना. अमेरिका के थे ये लोग राइट ब्रदर्स, वो फर्स्ट थे. इन्वेंट किया इन्होंने प्लेन 1903 में. देयर फर्स्ट प्लेन वॉज कॉल्ड द फ्लायर. इनका फर्स्ट प्लेन था द फ्लायर. और मैं आपको फोटो नहीं दिखा सकता हूँ अभी, ठीक है. सिंस देन मतलब उसके बाद एयर ट्रेवल बहुत जल्दी चेंज हुआ और एयर ट्रांसपोर्ट बहुत एक्सपेंसिव भी है. अरे गलती से पेस्टन हो गया मुझसे. अरे हम कहाँ पर थे, पीछे थे. हाँ यहाँ थे. हाँ हाँ चलिए. हाँ अभी फिर से सुनना पड़ेगा है ना. इज मोस्ट एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव था है, लेकिन फास्टेस्ट मीन है ट्रांसपोर्ट का. एयर ट्रांसपोर्ट. द राइट ब्रदर्स ऑफ अमेरिका वर द फर्स्ट टू इन्वेंट अ प्लेन इन 1903. देयर फर्स्ट प्लेन वाज कॉल्ड द फ्लायर. सिंस देन एयर ट्रैवल हैज चेंज्ड ग्रेटली. एयर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बट फास्टेस्ट
means of travel nowadays. A person can fly from one place to another in a very short time. एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है बहुत कम टाइम में. और टेरेन, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ओशियंस और एटसेट्रा. ये तो बहुत आपने सुना ही होगा कि ये है ना. अभी हम यहाँ तक पढ़ेंगे 200 मीटर वाइड. ठीक है, कहाँ पर थे हम ये खुद ही बता देगा. नेटवर्क ऑफ एयर, हाँ नेटवर्क, नेटवर्क जो है सब रूट्स का है ना. नेटवर्क जो है क्या है, नेटवर्क ऑफ एयर रूट्स, एयर रूट्स का नेटवर्क जो है कवर करता है ऑलमोस्ट सारी कंट्री को, वर्ल्ड की सारी कंट्री को. द फ्लाइट्स व्हिच कनेक्ट द सिटीज विद इन अ कंट्री आर ऑल डोमेस्टिक फ्लाइट्स. जो फ्लाइट्स होती हैं व्हिच कनेक्ट सिटीज को कनेक्ट करते हैं है ना कंट्री में, उनको कहा जाता है डोमेस्टिक फ्लाइट्स. और जो जो एक से दूसरी कंट्री में जाती है उनको कहा जाता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स. जो एयर सर्विस है इंडिया में है ना वो प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट ओन इंडियन या फिर एयर इंडिया से. A number of private companies also provide these air services. बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी प्रोवाइड करते हैं एयर सर्विसेज को. वे आते हैं हम वाटर ट्रांसपोर्ट. इट इज द अर्लीस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे पुराना ट्रांसपोर्ट है. वाटरवेज अक्रॉस द कंट्रीज जैसे कि कोई पहले आता था तो वो ऐसी बोट वगैरह में आता था. मतलब ये दिया गया है कि वर्ल्ड का ट्रेड बहुत हुआ है और यूरोपियन और अमेरिकन ट्रेवलर्स भी आए हैं ना. जो कंस्ट्रक्शन है पैनामा कनाल का, कंस्ट्रक्शन जो है पैनामा कनाल का साउथ अमेरिका से जो है शॉर्ट कर दिया उसने सी रूट को फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू न्यूजीलैंड है ना टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका. ये अमेरिका ईस्ट कोस्ट में बहुत पता नहीं कितने सारे. This canal connect. This canal connects the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean. ये connect करता है Atlantic Ocean को किससे? Pacific Ocean से. It is around 80 kilometers. 8 घंटे में cross कर जाता है और 80 किलोमीटर का रास्ता है. स्वेज कैनल 1869 में ओपन हुआ था. मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी जो कनेक्ट करते हैं मेडिटेरियन सी को रेड सी से साथ. इसने भी शॉर्ट कर दिया सी रूट को. उन लोगों के लिए जो ट्रेवल कर रहे हैं इंग्लैंड से और अदर यूरोपियन कंट्रीज टू इंडिया, इंडिया और ईस्टर्न आइलैंड्स. इस ये कैनाल जो ओपन हुआ है ना इससे ना बहुत जो है
ट्रेवल टाइम जो है ब्रिटेन टू इंडिया जस्ट 2 वीक्स अर्लियर, मतलब वो बहुत कम हुआ है टू जस्ट 2 वीक्स, 2 वीक में बस। शिप्स टुक 6 वीक्स, पहले शिप्स जो है 6 वीक ले जाती थी इंग्लैंड से इंडिया आने में। स्विस कैनल है वो 193 किलोमीटर है उसकी लेंथ और 200 मीटर वाइड चौड़ा। अगर हम आगे देखें तो आगे भी अभी 1, 2, 3, 4 और फिर ये, ठीक है। तो अब तो मैं आपको ऐसे ये भी करा सकता हूँ बिल्कुल, मैं अगर पेन लाने की कोशिश करूँ। और पहले तो आप ये बताइए कि अगर आपको ऐसे मज़ा आ रहा है या फिर मैं पुराने वाले जैसे कि मैं नॉर्मल पढ़ाता हूँ आपको पेन वगैरह करके वैसे पढ़ाऊँ, या फिर मैं आपको ऐसे मैं आपको बहुत मज़ा आ रहा है आपको अच्छा लग रहा है ये तरीका, या फिर मैं वैसे ही पढ़ाऊँ जैसे मैं पढ़ाता था, है ना, इंग्लिश भी मैं ही और हिंदी में भी मैं ही, ठीक है। इसमें इंग्लिश तो ये जो है बोल रहे हैं और हिंदी आपको मैं समझा रहा हूँ। तो आप बताइए यार आपकी जो है आप अपना ओपिनियन दीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।